क्वेश्चन नंबर थर्टी फिर से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक फ्लैजुला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर ये गलत हो जाएगा अगर हम बात करें प्रो कैरियोटिक फ्लाजुला के बारे में प्रो कैरियोटिक फ्लैजुला और एक तरफ हम बात करें यू कैरियोटिक फ्लैजुला के बारे में तो जो प्रो कैरियोटिक फ्लैजिला है उसमें माइक्रो माइक्रोटिब्यूल्स नहीं होते हैं प्रो कैरियोटिक फ्लैजुला में माइक्रोटिब्यूल्स आर एब्सेंट लेकिन जो यू कैरियोटिक है उसमें माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसी के साथ साथ जो प्रो कैरियोटिक है उसमें जो प्रोटीन है वो है फ्लाजुल प्रोटीन जो कि फ्लाजुला बनाने में मदद कर रहा है लेकिन क्योंकि यू कैरियोटिक फ्लैजुला माइक्रोटिब्यूल से मिलके बन रहा है तो उसमें जो प्रोटीन है वो कौन सा है टिब्यूलिन प्रोटीन है प्रोकेरियोटिक फ्लैजुला में कोई एक शीत मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं है यूकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजुला में एक मेम्ब्रेनस शीत यानी कवरिंग प्रेजेंट है तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के फ्लैजुला में तो स्ट्रक्चरली सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है अजर्शन गलत हो गया रीजन सीलिया आर लॉन्गर दैन फ्लैजेला ये भी गलत है सीलिया जो है वो शॉर्टर होते हैं टॉटर हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला कंपेरेटिवली सेल में लंबा होगा लेकिन जो सीलिया है वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो सीलिया लॉन्गर है ये गलत हो गया अजर्शन भी गलत है रीज़न भी गलत है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोथ अजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ये डायग्राम जिसके थ्रू हमने सीलिया और फ्लाजिला का पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से सीलिया और फ्लाजिला में पेरिफेरल डब्लेट्स थे और वो सेंट्रल वाले से अलग थे सेंटर में सिंगलेट थे पेरिफेरल वाले डबलेट के फॉर्म में सेंटर वाले सिंगलेट की फॉर्म में सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट दी डी पी पी नंबर फाइव सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें मेनली आज हमने जो टॉपिक पे फोकस किया वो था साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन में सीलिया एंड फैजिला का स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और कुछ मिक्सड क्वेश्चन मैच द कॉलम वाले जिसमें सारी सेल ऑर्गेनल्स कवर हो रही थी तो आई होप आपको आज का सेशन ईजिली समझ आया होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी कि कैसे एक ही लेबलिंग अगर हम ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और स्टूडेंट का टाइम सेम हो सेफ हो जाएगा तो आई होप आपको एक डीपी पे डिस्कशन इजीली समझ आया है थैंक यू